Okay, welcome to all. Today we are going to discuss this wrenching. Wrenching is nothing but the process in which साइटिंग जो हम लोग करते हैं. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे चौथा पॉइंट है. हमें ए और बी को क्या करना है, एक शॉर्टेज डिस्टेंस मेजर करना है. तो हमें उसको साइटिंग करना पड़ेगा, मतलब हम लोग उसको एकदम स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो दिस इज रेंजिंग. रेंजिंग इज टू टाइप्स. वन इज डायरेक्ट रेंजिंग जो हम अपनी नेक डाई से देख पाते, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट रेंजिंग. ओके, इनडायरेक्ट हम लोग रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं. तो डायरेक्ट रेंजिंग कब होगा, जब हमारे इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड फिक्स होंगे स्ट्रेट लाइन में, उनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा. इन दिस सिचुएशन हमारे जो एंड स्टेशन है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है. ये एक दूसरे को, एक रेंजिंग रोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेंजिंग रोड यहाँ पे लगा हुआ है ना. तो हम एक दूसरे को देख पा रहे, स्टेशन ए पे खड़े होकर हम स्टेशन बी को देख पा रहे, स्टेशन बी पे खड़े होकर हम स्टेशन ए को देख पा रहे. इट मीन्स दिस इज डायरेक्ट रेंजिंग. क्लियर? It is only possible when this end station are intervisible. Intervisible means हम एक जगह से स्टेशन ए से बी को देख पाए या फिर बी से ए को देख पाए. This is the intervisible. Okay. For this process हम लोग कुछ assumptions लेते हैं. वो कुछ इस तरह से होते हैं. We can say that assume this A and B are two end station. This is A and B. End station. Yeah. Okay. In a chain line, कोई भी chain line इसमें A और B दो end station है. Yeah. और यहाँ पे क्या है? Ranging rod already fixed है. अब हमें कोई भी एक intermediate point P select करना है ना. तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए. तीनों स्ट्रेट लाइन में कब होगा, व्हेन यू यहाँ पे जो एक रेंजिंग रोड है ये वाला, अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको ये तीनों एक ही लाइन में दिखे. इसका मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है. इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. सी, ये इस तरह से होगा. हम लोग अभी टॉप व्यू देख रहे हैं. टॉप व्यू ये ए है और ये बी है. बी अगर आपने यहाँ पे ले लिया टॉप व्यू, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा. स्ट्रेट लाइन में दिखने के लिए क्या करना होगा, आप इन दोनों को ज्वाइन करो और पी को इस लाइन पे कहीं पे लो, तब जाके स्ट्रेट लाइन पे दिखेगा. दिस इज द टॉप व्यू. सो आई रिमूव दिस. ओके, दिस इज द प्रोसीजर. लेट अस सी. अगर हमें कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट भी फिक्स करना है, व्हाट वी डू, हमें चेन लाइन में कोई भी एक स्टेशन इंटरमीडिएट पॉइंट हमें पी फिक्स करना है. हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक ही यहाँ पे खड़े हो जाइए, सर्वेयर, इंडिविजुअल सर्वेयर, और यहाँ से आप नेक डाई से तीनों रेंजिंग रोड को देखिए. तीनों अगर एक ही लाइन में, इट मीन्स ये क्लियर है. So it is written theory over here. तो मैं बोल रहा हूँ चीज़ यहाँ पे लिखी है. ठीक है. So you kindly, I already shared this book with you. You kindly go through and check all this thing. Let us see. This is point A. This is point B. We have to fix two point between two station A and B. One is P and another one is M. You know. चारों एक ही लाइन में दिखना चाहिए. जब आप खड़े होके ए के पीछे अगर आप यहाँ पे खड़े होके इसको देखते हो, इट शुड बी आपको चारों एक ही स्ट्रेट लाइन में. सेकंड इज द इनडायरेक्ट रेंजिंग. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में छोटा सा डिफरेंस है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे क्या, ये विजिबल नहीं है.
उस केस में हमें विजिबल था और इस केस में ये विजिबल नहीं. सो दिस इज इन दिस केस एंड स्टेशन आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू देयर बीइंग सम हाई ग्राउंड बिटवीन देम. द इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड आर फिक्स्ड ऑन द लाइन इन अ इनडायरेक्ट वे. दिस मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेसिप्रोकल. See, look this example. आपको क्या है, ये पॉइंट आपके स्टेशन ए है, दिस इज स्टेशन बी. इन दोनों को बीच में क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालना था. ऐसे करके मैं इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बिटवीन ए एंड बी. ओके, सो व्हाट हैपेंड, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ग्राउंड हाइट हो गया, इसके कारण क्या हुआ आपका, ये दो पॉइंट ए और बी इंटरविजिबल, एक दूसरे को हम लोग देख नहीं पाए. सॉरी, दिस ए एंड बी आर नॉट इंटरविजिबल, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे. अगर आप ए पे खड़े हैं तो आप बी को नहीं देख पा रहे, और बी पे खड़े हो तो आप ए को नहीं देख पा रहे. उस केस में क्या होगा, हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे. पहले हम लोग कोई भी इनके इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेंगे आर एंड एस, सच दैट R and A are intervisible, R and S are intervisible, S and B are intervisible. I hope this is clear to you. A and R intervisible, R and S are also intervisible, and S and B are also intervisible. इसका मतलब ये हुआ, ए पे खड़े होके आप आर को देख सकते हैं और आर पे खड़े होके आप ए स्टेशन को देख सकते हैं. सेम, आप आर स्टेशन के बियॉन्ड खड़े होके एस स्टेशन को देख सकते हैं, एस स्टेशन के बियॉन्ड खड़े होके आप आर स्टेशन को देख सकते हैं, आप एस स्टेशन के बियॉन्ड खड़े होके बी स्टेशन को देख सकते हो, और बी स्टेशन के बियॉन्ड खड़े होकर आप एस स्टेशन को देख सकते हो. फिर आप क्या करना है, यहाँ से हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग स्टार्ट करते हैं. इनको हम लोग स्ट्रेट लाइन में लेते हैं तो कोई एक पॉइंट मिलेगा. ऐसे करके जब आप इसको ड्रॉ कर लोगे तो आप इस डायरेक्शन में आपको ये वैल्यू मिलेगा. सी, दिस क्लियरली लुक ओवर हियर, सपोज ए एंड बी आर टू एंड स्टेशन and are not intervisible. एक दूसरे को ये लोग देख नहीं पा रहे हैं ना. It is required to fix intermediate point on the road, intermediate points between A and B. Two chain men take up position are necessary for the ranging road in their hands. The chain men at R1 stand with his face towards B so that he can see the ranging road from S1 and B. Again, same procedure. It will continue till A, R, S, and B are in same straight line. तो ये चारों स्टेशन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो ये ब्लॉक कंटिन्यू करते रहे. Next is method how we unfold the chain. Chain को हम लोग किस तरह से फोल्ड करेंगे, किस तरह से अनफोल्ड करेंगे, दैट इज द प्रोसीजर. फाइनली लुक ओवर हियर, ओके, टू ओपन अ चेन स्ट्रेप इज अनफास्टनेबल, मतलब जो आपका बेंड होता है सबसे पहले आप उसको हटाना है, उसके बाद उसके ब्रास के हैंडल को आपको पकड़ना है इन द लेफ्ट हैंड एंड बंच thrown forward with the right hand. Then the chainmen stand at the starting station by holding the another handle and the another move forward by holding other handle until the chain is completely extended. ठीक है, फोल्डिंग भी आपको इसी तरह से करना है. आपको जैसे हमने देखा था कि ये इस
तरह का एक लिंक होता है, आपको लिंक बाय लिंक इसको फोल्ड करना है, ठीक है, लाइक इट, लिंक बाय लिंक यू हैव टू फोल्ड इट। इस वी ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस दैट देयर मे बी सम चांसेस के चेन में क्या होता है, एरर हो सकता है, चेन में एरर हो सकता है, एरर आपका मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, और आपका ड्यू टू द आपका यूजेस के, आपने जिस तरह से इसको यूज किया है, तो फिर टेम्परेचर वेरिएशन हुआ है एनवायरमेंट में भी, तो आपका हो सकता है। तो हमें सबसे पहले चेन को टेस्ट करना होगा, ठीक है, तो चेन टेस्ट करने का एक मेथड इन्होंने दिया हुआ, सी है, ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज ए चेन मे बी एलोंगेटेड और शॉर्टेड। अब जब कंटिन्यूस यूज करेंगे चेन का तो ये छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, हो सकता है यार कोई भी, जैसे आपका मेटल है, मेटल अगर इसका थर्मल कोफिशिएंट के आधार पे ये क्या करता है, ये बढ़ जाता है घट जाता है। जैसे हम लोग रेल की पटरी देखते हैं, गर्मी के टाइम पे रेल की पटरी बढ़ जाती है और ठंड के टाइम पे सिकुड़ जाती है, तो वही चीज यहाँ पे हो सकता है। तो चेन शुड बी टेस्टेड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, इट फुल एडजस्टमेंट, इफ फुल एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल देन द अमाउंट ऑफ द शॉर्टिंग नोन एज टू शॉर्ट एंड एलोंगेशन नोन एज टू लॉन्ग शुड बी नोटेड क्लियरली फॉर द नेसेसरी करेक्शन एप्लीकेबल इन द चेन। अगर हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग लेते हैं, आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है, जो भी आपने चेन का मेजरमेंट का रिकॉर्डिंग आपने अपने रिकॉर्ड बुक में किया है, तो इट मे बी पॉसिबल दैट अगर आपका छोटा है तो कितना छोटा है, आपको टू शॉर्ट कितना है वो आपको इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, अगर टू लॉन्ग है तो कितना है वो भी आपको इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर बताना है आपको, सो दैट हम लोग जो भी नेसेसरी करेक्शन है उसको हम लोग कर पाए। For the testing of chain, the test gauge is established on the level platform with the help of the standard steel tape. Steel tape are steel dried at 20 degrees Celsius under the tension of 8 kg. The test gauge consists of two pegs having nail at the top and a fix on the level platform. A required distance apart, say 20 or 30 meters. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरह का एक लगा हुआ है, वुडन प्लेग भी हो सकता है, और इसके ऊपर एक नेल होता है, सेम एक ही डायरेक्शन में होगा, इसके ऊपर एक यहाँ पर नेल लगा हुआ है। आप चेन को यहाँ पे डाल दीजिए दोनों, अगर ये पूरे लेंथ की है तो ये बता देगा कितना कम है कितना ज़्यादा है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं कि चेन में अलाउबल जो एरर है ये आपको नॉट फॉल्ट, that is 2 mm per 1 meter. Kindly look over here, you can see that ye standard kya hota hai aapka 20 degree celsius and 8 kg tension, which is aapko dhyan rakhna hai, theek hai। Okay, I will stop over here and we will continue in the next lecture. Thanks for your time.